कैसा फील कर रहे हो? घर जाना है? छुट्टी करते हैं आपकी? डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी जयश्री? अब तो सब कुछ ठीक है और सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। आप चाहें तो आज ही जयश्री को घर ले जा सकते हैं। मैं अभी जाता हूँ, डिस्चार्ज स्लिप लेके आता हूँ और आपसे साइन करवा लेता हूँ। अच्छा, और वो आपने व्हील चेयर तो ले ली ना? जी, उसे देते आइएगा और कुछ दिनों के लिए जया को हमारे साइकियाट्रिस्ट से बातचीत करवानी है। साइकियाट्रिस्ट से? लेकिन मानसिक रूप से तो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे आप घबराइए नहीं, इस तरह वो अपनी विकलांगता को समझ पाएंगे, कमजोर भी नहीं पड़ेंगे। और अब तो जयश्री और व्हील चेयर का उम्र भर का साथ है। और जब तक आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो यही फिजियोथेरेपी कराइए और बाद में कहीं घर के नजदीक। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके जया। तुम्हें ये बीमारी है क्या कैंडी क्रश खेलने की? हैव कॉफी? पी लूंगी ना अभी। लो ना। अच्छा सुनो, चलो ना यार, मैं अकेला जाके वहां क्या करूंगा? अरे खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ यार। नीरव, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो यार। आई प्रॉमिस मैं स्लो गाड़ी चलाऊंगा। अब उठो। पक्का प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। गेट अप। That's my girl. अरे तुम तैयार होकर आ गई? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अरे दीदी, खालिद के आज डिनर है तो मैं जयश्री को लेके जा रही हूँ। मैंने तो खाने की तैयारी कर रखी थी। तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही है कि तुम कार तेज चलाते हो। संभल कर चलना। मैंने अभी प्रॉमिस किया है, मैं ध्यान से चलाऊंगा गाड़ी। करा ना मैंने प्रॉमिस किया तो है। हाँ ठीक है, और देखो समय पर आ जाना। चलो ओके दीदी, चलते हैं। कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी सफर साथ। नीरव आराम से। अभी तुमने बोला ना तुम धीरे चला रहे हो। आई एम सॉरी, धीरे चलाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कितने धीरे चला रहा हूँ ना गाड़ी, देखो मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ नीरव, ऐसे ही चलाना, धीरे से। बिल्कुल धीरे से। नीरव बी केयरफुल, सामने देखो। जयश्री का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अरे हाँ। अरे कैसे हो गया? चलो चलो जल्दी चलो। हेलो। हेलो नीरव। जयश्री, ये कौन सा नंबर है? कहाँ गायब हो तुम? मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तुम दिल्ली में नहीं हो? मैं दुबई से बोल रहा हूँ जयश्री। तुम बाहर चले गए? हाँ। मैं सोचती थी तुम कहाँ गायब हो, मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आते थे, सब सही निकले। तुमने मुझे बहुत समझा, छोड़ के चले गए ना। अच्छा वो मेरा एक्सीडेंट शादी से पहले हो गया, वरना तुम तो मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ के चले जाते। तुम कायर हो, I just hate you. जयश्री सॉरी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। डोंट कॉल मी अगेन। जय, क्या हुआ जय? किसका फोन था? दीदी नीरव का फोन था, मुझे छोड़ के भाग गया। क्या? यही बताने के लिए फोन किया, धोखा दिया दीदी उसने मुझे। वो इंसान नहीं, जानवर है जानवर। तू फिकर मत कर। देख अच्छा हुआ मैं पहले पता चल गया, अगर बाद में पता चलता तो न जाने क्या हो जाता। तुम्हारे सिर्फ पैर कमजोर पड़े हैं, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाए। चलो तुम अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। उठो दीदी, मैं कुछ देर यही बैठना चाहती हूँ। चल ठीक है।
जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? कोई भी ढंग का चैनल नहीं है, सभी चैनल पे वही बोरिंग सास बहू के सीरियल चल रहे हैं। दत्त जीजू आप टीवी बंद करो, हम चेस खेलें। सही है। अरे नहीं अभय, क्यों ना हम आइसक्रीम खाने चले? ठीक है दीदी, मुझे कार में बैठने से डर लगता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा डर, आप दोनों जाइए। ये मेरी साली नहीं, मेरी छोटी बहन है, बहुत हिम्मत वाली है और बहुत जल्दी इसका खौफ दूर हो जाएगा। अच्छा चलो बाबा, तुम लोग चेस ही खेलो। नीरव का फोन आया क्या? नहीं जीजू, काफी दिन हो गए और वैसे भी वो इंडिया में नहीं है और अब दोनों देशों में टाइम का बहुत अंतर है। ये सब बेकार की बातें, मैं नहीं मानती इन सब दलीलों को। देखिए पहले कैसे शहद की मक्खी की तरह 24 घंटे इसके पीछे चिपका रहता था और अब देखो जरा सा बीमार क्या हुई भाग गया। अरे इस वक्त उसे उसके साथ रहना चाहिए था। अरे छोड़ो ना, तुम भी अब गेम सेट है, चलो खेलना शुरू करो। जीजू बात अभी पूरी नहीं हुई है, मैंने कुछ फैसले लिए हैं। कैसे फैसले जाए? यही कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जीजू मैं किसी से झूठी उम्मीद नहीं रखना चाहती और ना ही किसी पे बोझ बनना चाहती हूँ। मैं खुद को संभाल लूंगी और कल मेल भेज के नीरव को भी आजाद कर दूंगी। ये तुम बहुत अनाप शनाप बोल रही हो, उसको बोलने दो। हाँ बोलो जय, क्या बोल रहा है? जीजू मैं घर से काम करूंगी, माना कि पैरों से आप आई जू, लेकिन हाथ और दिमाग तो काम करते है ना। शाबाश, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हर तरह की मदद करेंगे, साय की तरह आने जाने की सब सुविधा देंगे, तुम्हें बैटरी वाली व्हील चेयर लेके देंगे ताकि तुम्हें कहीं पे भी जाना हो, घर पार्क या मॉल में भी जाना हो, तुम हर जगह जा सकती हो। थैंक यू सो मच जीजू, आप और दीदी मुझे इतना प्यार करते हैं, मॉम डैड के जाने के बाद आप ही दोनों मेरा सहारा है। आप लोग यहाँ पे आ गए मेरे साथ रहने ताकि मैं अकेली ना रहूं। बेकार की बातें मत कर, तू तो हमारी जान है। शाबाश, हम तुम्हारी स्वावलंबन की यात्रा में तुम्हारे साथ हैं हर तरह से, ठीक है? अब मुझे किसी काम से बाहर जाना है, ठीक है? जी दीदी आप भी दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे किसी को रख दीजिए मेरी मदद के लिए। मेरे पास सफल होने के लिए जो शक्ति चाहिए वह पहले से ही मेरे भीतर है और अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग कर लूं तो कुछ भी असंभव नहीं। जयश्री कैसी हो? एकदम ठीक जीजू, 100% फिट। ऐसे ही खुश रहकर। नैना इसकी आंखें बंद करो। ये क्या बचपन है जीजू, बताइए ना क्या बात है? तुम्हारे जीजू चाहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखें बंद करूं, तो चलो आंखें बंद करवा लो। नैना अब इसकी आंखों से अपने हाथ हटाओ। इसमें क्या है जीजू? खोल के देखो। ओह माय गॉड, लैपटॉप, थैंक यू सो मच। मैं मोबाइल पे काम नहीं कर पा रही थी इसीलिए तो लेकर आए हैं। अब तुम इस लैपटॉप पे काम करो, कहानियां लिखो, ब्लॉग्स लिखो, एप्लीकेशंस लिखो, सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बनाओ, सेल्फीज पोस्ट करो और सबसे बड़ी बात वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे कंपनी का काम करो। आजकल सारी कंपनी ऐसे कराती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक मुर्दे में जान डाल दी। कैसी बातें करती हो, हाँ तुम तो मेरी जान हो। चलो अब तुम इस पर काम शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। थैंक्स अगेन, आई जस्ट लव यू बोथ। ये कैसी एक गहरी शक्तिशाली आवाज का उफान मेरे भीतर हो रहा है, मैं इसे सुनूंगी और इस पर विश्वास करूंगी। हाँ ये वह छोटी सी आवाज है जो बड़ी और बड़ी होती जा रही है, हर गुजरते दिन में मजबूत हो रही हूँ। जयश्री आगे बढ़ो, जयश्री जागो, इस अंधी गुफा से बाहर निकलो। मैं एक उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आई हूँ, ये जो एक्सीडेंट हुआ वो मुझको हराने के लिए नहीं था। मैं सबको प्रेरणा दूंगी, आशा और सकारात्मकता मेरे दिल से बहेगी और सभी को प्रेरित करेगी। बाधाएं तो हमारे संकल्प को मजबूत करती हैं। हेलो। हेलो जय, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा फोन करने की? मैं तुम्हें बुला चुकी हूँ और बहुत आगे निकल चुकी हूँ।
बेशक से विकलांग थी नीरव, पर हिम्मत और अकल से नहीं हूँ। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। जय, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ तो रहा हूँ वापस यार। पर अब क्यों आ रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है नीरव। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम तो मुझे छोड़ के भाग गए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था मैं कभी नहीं जाती। पर अच्छा हुआ तुमने मुझे छोड़ा, अब मैं खुद से जीना सीख गई हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट यू सॉरी एंड यू। आज की बात कॉल मत करना, बाय। हेलो, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, सूरत सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरी हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे।